चारों तरफ का बस व्यू देखिए, ये पीछे है मुमरा और वहाँ पर अरवली और पीछे पूरा चारों तरफ पहाड़, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये पूरा बारिश की वजह से बराबर नहीं दिख रहा है। तो वो हज़रत हाजी मलंग शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह, और ताज़ा पानी पूरा पहाड़ से आ रहा है। तो ये पीते और चलते मदरसे से, तो बाहर से देख सकते हैं इस तरीके से दिखती है क्योंकि मदरसा शरीफ। तो अभी टाइम मैं किसी ताबईन की मदरसा शरीफ में आया हूँ। मैं गुफरान अदा काजरी आया एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं गुफरान अदा काजरी ब्लॉग। इस वक्त मैं हूँ मुमरा में, तो आपको पीछे दिख रही है ये मुमरा सिटी, और यहाँ पर पीछे पहाड़ है, और पहाड़ पर आज हम लोग जा रहे हैं हजरत पहलवान शाह ताबई दरगाह में। तो पीछे ये है गेट, तो यहाँ से सफ़र शुरू होता है। हमारे कैफ भाई और यहाँ पर नसीम भाई जो ब्लॉग बना रहे, और ये अपने आकिब भाई जो मुझे बुलाए दरगाह शरीफ में। तो भाई बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे, तो आज वक्त मिला तो आज जा रहे हैं दरगाह शरीफ में। तो पीछे गेट है। स्टार्ट ट्रेन वीडियो देखते रहना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं दरगाह। तो यहाँ पर आपको पीछे ज़ियारत कराया था तीन मदरसा शरीफ की, तो एक हज़रत रईस शाह बाबा अब्दुलरहमान शाह बाबा, और एक दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराया था, और दो खादिम साहब की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराया था। और पीछे हुजरा भी बताया था आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जहाँ पर आराम फरमाते थे, और यहाँ पर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बैठते थे। तो अभी चलते हैं हज़रत पहलवान शाह बाबा। तो यहाँ से 10-20 मिनट का रास्ता है। तो स्टार्ट ट्रेन वीडियो देखते रहना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चारों तरफ देख सकते हैं पूरा जंगल, और एकदम छोटा सा रास्ता है। ये रास्ता थोड़ा सही है, यहाँ पर ज़्यादा पत्थर वगैरह नहीं है, सिर्फ ऐसी प्लेन रास्ता है। तो ऊपर देख सकते हैं वहाँ पर दरगाह शरीफ है आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की, और यहाँ पर रास्ता देख सकते हैं आप लोग। तो मुमरा में असल में बहुत सारी दरगाह शरीफ है, हज़रत फ़कीर शाह बाबा, हज़रत फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, और मेन जो एकदम टॉप में दरगाह शरीफ है हज़रत पहलवान शाह ताबईन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने साहबी रसूल की ज़ियारत करे थे, इसके लिए आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नाम के साथ ताबईन लगता है। तो यहाँ रास्ता देख सकते हैं आप लोग, पूरा बड़े बड़े पत्थर, और वहाँ पर पूरा पहाड़ देख सकते हैं आप लोग। तो ये मुमरा जो है पूरा पहाड़ वाला इलाका आता है, तो यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ दिखेगा, और बीच में ऊपर चढ़ चुके हैं, तो मैं भी स्लो स्लो चढ़ रहा हूँ ऊपर। और यहाँ पर व्यू देखिए इतना प्यारा व्यू है ना, माशाल्लाह चारों तरफ का पूरा पहाड़, और बीच में सिटी है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी सिटी है बीच में। और वहाँ से हम लोग चढ़ गए हैं अभी, और वहाँ पर एक छोटा सा नदी दिख रही है, नदी मतलब झरने समझ जाइए आप लोग। और यहाँ पर है ऊपर बारगाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की, और पहाड़ देख सकते हैं एकदम खड़ा पहाड़ है, यहाँ पर कोई रास्ता सीढ़ी वगैरह नहीं है, बस भाई लोग जैसा रास्ता बता रहे हैं वैसे चढ़ते जा रहे हैं। और वहाँ पर है फ़कीर शाह बाबा की भी दरगाह शरीफ है वहाँ पर, तो अगर वक्त रहा तो वहाँ पर भी जाएँगे, अगर वहाँ की भी ज़्यारत कराऊँगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर तो यहाँ पर भाई लोग है और सब, और यहाँ पर डैम है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये पूरा पहाड़ का पानी आके यहाँ पर जमा होता है डैम का, और बस यहाँ पर आप व्यू देखिए इतना प्यारा व्यू, और वहाँ पर हाईवे है, और स्टार्टिंग में जब आए थे ना तो बहुत बारिश हो रही थी, तो हम लोग सोचे बाद में जाते, लेकिन सरकार का बुलावा था, सरकार ने बुलाया था, तो कैसा भी करके पहुंच जाएंगे दरगाह शरीफ में, सरकार का बुलावा रहेगा। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि ऐसी दरगाह शरीफ में जाया करें, तो ऐसी जो ट्रैकिंग वाली रहती है आपको मज़ा भी आता है, और सरकार का करम होगा तो बिगड़ी भी बन जाएगी आप लोगों की। और बस आप लोग व्यू देखिए चारों तरफ का, और रास्ता जो एकदम छोटा है, खुद से ही बना है रास्ता, कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है। और यहाँ पर व्यू देखिए चारों तरफ का, पूरा पहाड़ी, और ऊपर है दरगाह शरीफ आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की। भाई अक्यू भाई कितने दिन के बाद आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? मेरा एक साल हो गया सर। एक साल में, एक साल बाद, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके अभी? काफ़ी सुकून लग रहा है। तो और कितना देर लगेगा यहाँ से आप उनको? वो सामने वो बकरियाँ दिख रही है। अच्छा, तो यहाँ पर ही पहुँच गए दरगाह शरीफ में, वही आस्थान है। तो कितना टाइम लगा रहेगा? आधा घंटा भी नहीं लगा रहेगा शायद? नहीं, हम कंटिन्यू चढ़ते तो आधा घंटा नहीं लगता। तो हम लोग वीडियो बनाते बनाते चढ़ रहे थे, टाइम लग गया। हाँ, तो फाइनली पहुँच गए।
तो थोड़ा सा है अभी और 2-3 मिनट का रास्ता। और आप लोग व्यू देखिए, ये अरवली है ना, तो आपको पीछे दिख रहा पूरा अरवली सिटी है, अरवली सिटी है। यहाँ से बोलते हाजी मलंगा पहाड़ दिखता है ऊपर से, यहाँ से चलने दिखाता हूँ बोलते, और ऊपर से हाजी मलंग रहमतुल्लाही तआला का पहाड़ दिखता है। अच्छा, वहाँ से पहाड़ दिखता है तो वो भी दिखाऊंगा, और ऊपर से पूरा मुमरा एकदम अच्छा दिखता है वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने जो पहाड़ दिख रहा है, बारिश की वजह से बराबर नहीं दिख रहा है, तो वो हज़रत हाजी मलंग साहब रहमतुल्लाही तआला की बारगाह, और दादी माँ की बारगाह भी दिख रही है, लेकिन अभी बारिश की वजह से दिख रहा नहीं है। और यहाँ पर बस आप लोग व्यू देखिए चारों तरफ का, तो ये है मुमरा, और यहाँ पर अरवली, और वहाँ पर डैम भी दिख रहा है आपको दिखाया था, और वहाँ पर झरना, और ऊपर है आप रहमतुल्लाही तआला की मदर शरीफ। इतना ऊपर जा रहे हैं एकदम फास्ट फास्ट, उतना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पर चारों तरफ का। और यहाँ पर थोड़ा सा ही रास्ता है, और तो मुश्किल से आधा घंटा लगा रहेगा, क्योंकि हम लोग रुक रुक के वीडियो बना बना के जा रहे हैं। अगर आप फास्ट फास्ट चढ़ेंगे नॉन स्टॉप तो जल्दी पहुँच जाएंगे। यहाँ देख सकते रास्ता पूरा खड़ा रास्ता है, देख सकते आप लोग, और यहाँ पर व्यू, और ऊपर चलते हैं। तो आप लोग एक चीज़ की यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ रास्ता भी देख लीजिए आप लोग, पहला पूरा खड़ा पत्थर है, और यहाँ से गिरे तो सोच लेना कहाँ जाएंगे। और यहाँ पर इतना ऊपर एकदम टॉप में आपको बकरी भैंस वगैरह मिल जाएगी, तो देख सकते हैं बहुत सारी बकरी है यहाँ पर, और जो एकदम ख़राब हो गए बोलने नहीं हो रहा मेरे को बराबर। और व्यू देखिए बस आप लोग, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना चारों तरफ का। और वहाँ पर है हज़रत फ़कीर शाह बाबा की दरगाह शरीफ, वो नीचे है ये बहुत ऊपर है। यहाँ पर अपने भाई लोग रुक गए, अभी अपन चलते ऊपर। देख लीजिए यहाँ पर उमरा ऊपर से इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पर अपने भाई लोग, और यहाँ से रास्ता देखिए सिर्फ एकदम खड़े खड़े रास्ते। और यहाँ पर है बकरी, और एक चाने वाला ऊपर है, और ये बकरी इधर बैठे हैं, कैब बाय बैठ गए अभी थक के। तो यहाँ पर एकदम ऊपर भी बकरी मिल जाएगी आपको, पहाड़ के एकदम टॉप में भी आपको बकरी मिल जाएगी, इन लोगों को आदत है। देखिए अगर थोड़ा सा भी गिरी तो डायरेक्ट नीचे, लेकिन इन लोगों का आदत है रोज का है। देख सकते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग की बकरी है, ओ तो यहाँ पर रहने वाले लोग की बकरी है यहाँ पर। और यहाँ पर व्यू देखिए पूरा चारों तरफ का, और माशाल्लाह यहाँ पर एक झरना है छोटा सा, तो यहाँ से देखते पानी भी पीते अपन, तो एकदम ताज़ा पानी आ रहा है ऊपर से। तो यहाँ पर देख सकते खेकड़ा पहाड़ के एकदम टॉप में, वापस बार बार अंदर घुस जा रहा है, ऊपर पूरा झरना है, एकदम प्योर पानी आ रहा है पहाड़ से, और पूरा नीचे जा रहा है। तो अभी वजू करता हूँ अभी, और ये मच्छी देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी मच्छी, अभी हाथ डालूंगा तो मच्छी गायब हो जाएंगे। ताज़ा पानी पूरा पार्क से आ रहा है, तो ये पीते और चलते घर से, तो वजू कर लिया अभी पानी पीते चलते। तो ये है झरना जो ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पर अभी वजू किए पानी पिए, और यहाँ पर जो झरना एकदम नीचे जा रहा है, और यहाँ पर आप व्यू देखिए चारों तरफ का। तो भाई लोग यहाँ पर वजू कर रहे हैं, और आप रहमतुल्लाही तआला की बारगाह यहाँ पर ही है, तो आप व्यू देखिए। और यहाँ पर झरना जो ऊपर से आ रहा था डायरेक्ट जा रहा है उधर, जहाँ पर अपन अभी वजू करे थे,
और यहाँ पर ऊपर चलते हैं तो थोड़ा सा ही रास्ता है अभी। झरना एकदम प्योर पानी था, फुल फिल्टर, पूरे पहाड़ से फिल्टर हो के आ रहा था। और ये पूरा बारिश का पानी पहुँच चुके एकदम टॉप में। तो आप लोग चारों तरफ का बस व्यू देखिए, ये पीछे है मुमरा और वहाँ पर अरवली, और पीछे पूरा चारों तरफ पहाड़ है। और इतना सुकून मिला ना यहाँ पर आकर, एकदम मस्त हवा चल रही, एकदम ताज़ी, और एकदम ताज़ा पानी था वहाँ पर झरने का ऊपर से आया था। तो वो डैम भी है वहाँ पर, तो यही पानी जो नीचे का है वो उधर जाके मिल रहा है डैम में। और यहाँ पर आप व्यू देखिए, पूरे पहाड़ी पहाड़, और बीच में आता है मुमरा सिटी, और वहाँ पर है हज़रत हाजी अली शाह रहमतुल्लाह ताला की दरगाह शरीफ। तो वही पहाड़ है आप रहमतुल्लाह ताला की दरगाह शरीफ का। तो अभी बारिश की वजह से और बादल की वजह से बराबर दिख रहा नहीं है, वो पहाड़ भी बहुत ही लंबा है। किब्बा बता रहे ये खजूर का पेड़, और एकदम ऊपर बारिश की वजह से पूरा हरा भरा। और किब्बा आके कैसा लगा आपको यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिल खुश हो गया। तो आप अक्सर आते रहेंगे ना यहाँ पर? नहीं, काफ़ी लंबे अरसे के बाद हाजिरी हुई। अच्छा, तो अभी चलते ऊपर। तो थोड़ा सा ही अभी रास्ता ऊपर, तो ये क्या सीढ़ी का काम चल रहा है लगता। हाँ। तो यहाँ पर सीढ़ी बना दे, पूरी गोनी गोनी डाले, ये क्या चीज़ है? तो पानी की वजह से बारिश का। अच्छा, तो पानी की वजह से खुद ब खुद बन गया नाला। तो बारिश होगी तो झरना जाएगा यहाँ से। ऐसा बता रहे आकिब भाई यहाँ पर थूकना मना है, क्योंकि यहाँ पर जंग हुई थी और कोई भी औलिया अल्लाह की मदद रह सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप कुछ खाने वगैरह लाते, बेफर बिस्किट वगैरह, अगर आप यहाँ कुछ खाने वगैरह ला रहे तो उसका रैपर साथ में लेके जाइए, जंगल को गंदा ना करिए, क्योंकि इतना हरा भरा जंगल है आप देख सकते हैं, हरा भरा पहाड़ है। तो ऐसा ना करिए, अगर ला रहे तो साथ में लेके जाइए, जंगल को गंदा ना करते। इतना मैं चढ़ गया अभी चारों तरफ का व्यू, एकदम पहाड़ के टॉप में, एकदम आपको लगेगा भी नहीं है पहाड़ के टॉप में दरगाह शरीफ है। यहाँ पर पूरा प्लेन रास्ता है और एकदम टॉप में दरगाह शरीफ है। तो पीछे बारगाह है हज़रत पहलवान शाह ताबाई इनकी बारगाह। तो चलते हैं, दरगाह शरीफ की हिस्ट्री भी लेते हैं। तो स्टार ट्रेंड वीडियो देखते रहना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं बारगाह में। तो अपने नसीम भाई और यहाँ पर अपने आकिब भाई और कैफ भाई, और वहाँ पर अपने नसीम भाई और अपने नदीम भाई जो हिस्ट्री बता रहे थोड़ा थोड़ा। और ये सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए, ताबईन किसे कहते हैं? साहबी रसूल को जिसने देखा उसे ताबईन कहते हैं। इतने साहबी रसूल को देखे थे तो आपके नाम के साथ पहलवान शाह ताबईन लगता है, आपका लकब है पहलवान शाह ताबईन। तो पीछे मदार शरीफ है, तो चलते हैं ज्यारत करते हैं। और नीचे बाकी की मदार शरीफ की ज्यारत कराया था, अगर वो ब्लॉग नहीं देखा तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर चारों तरफ का माहौल देख सकते हैं, पूरा हरा भरा है, अब भी बारिश का मौसम गया है, नहीं तो अगर अभी बाकी सब टाइम आते तो पूरा चॉकलेट ही रहता था, पूरा झाड़ सूख जाता था। और ये मदार शरीफ है आपकी, तो इनके वजह आप लोग मांगिए। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी ताबईन की मदार शरीफ में आया हूँ, तो ये है मदार शरीफ। और आप लोग यहाँ पर है मदार शरीफ माशाल्लाह। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइट आने के लिए यहाँ पर वाइट कलर का पतरा लगा है, क्योंकि रूम में देखो अंधेरा हो जाता था ना, तो अभी लाइट है, बल्कि उजाला है यहाँ पर। और यहाँ पर खिड़की भी है, और यहाँ पर आप नाम लिखा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जो मुर्शिद का नाम, हाजी अब्दुल रहमान मदनी मलंग असहाबी रसूल सईद रदियल्लाहु ताला अन्हो। और आपका नाम है अलहाज असदुल्ला नजफी ताबई पहलवान शाह, उसका डेट लिखा है 20 जमादिल उला। और ऐसा बताया जाता है कि आप 1000 साल पुराने बुजुर्ग हैं। तो माशाल्लाह ताबई ने तो आपकी मदाशिप बहुत ही पुरानी होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि किसी ताबईन की बारगाह में हमको हाजिरी मिली। अल्लाह करे इनके सदक़े से हमें मदीने में जल्द जल्द हाजिरी हो, और वहाँ पर भी आपको ज़ियारत कराऊँगा, मदीने की जल्द जल्द हाजिरी हो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी दरगाह शरीफ है। तो भाई ने पूरे दरगाह शरीफ की अभी साफ़ करे, तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ का रूम। और आपके नाम के साथ नजफ़ी, इसके लिए लगता है कि आप नजफ़ शरीफ से तशरीफ़ लाए थे करबला।
तो ये मजार शरीफ है थी। तो चलते हैं अभी बाहर। तो यहाँ पर नसीम भाई भी ब्लॉग बनाते हैं, और यहाँ पर खादिम साहब है। कोई दुनिया में नहीं हम तेरा, वो जो हाथ सर हो नजारा से देख सकते हैं, इस तरीके से दिखती है मदार शरीफ। तो अभी चलते हैं, और मदार शरीफ भी है यहाँ पर। तो ये मदार शरीफ की ज़ियारत कराया मैंने आपको। तो अभी अभी बनाई गई है दरगाह शरीफ। तो इस दरगाह शरीफ की लोकेशन की लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। और यहाँ पर चारों तरफ का माहौल देख सकते हैं आप लोग, एकदम मस्त माहौल है। और यहाँ पर चलते हैं आगे और मदार शरीफ के पास। तो यहाँ पर आके माशाल्लाह बहुत ही सुकून मिला। अल्लाह करे कि इनके सदक़े से हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाजिरी अता फरमाए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये साइड से, और यहाँ पर झंडा भी दिख रहा है आपको। तो इससे मालूम पड़ता है दरगाह शरीफ यहाँ पर नज़दीकी है। और ये है वो साइड से आपको दरगाह शरीफ दिख रही है। और यहाँ पर व्यू है चारों तरफ का, और अपने आकिब भाई। और यहाँ पर देखते हैं, झंडा दिखाता आपको नज़दीक से। और यहाँ पर ऐसा लग रहा नहीं है पहाड़ के दम टॉप में, क्योंकि ये ज़मीन जो है एकदम प्लेन है। और वहाँ पर जब हम लोग आए थे ना, वो ज़मीन एकदम खड़ी थी, ये लेकिन एकदम प्लेन है। और यहाँ पर झंडा देख सकते आप लोग ऊपर। तो वहाँ पर पीछे भी और कुछ दिखा रहे नसीम भाई। तो पीछे से इस तरीके से दिखती है दरगाह शरीफ। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही दरगाह शरीफ का गुम्बद बनने वाला है, तो जल्दी बन जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लोकेशन की। और यहाँ पर आप पीछे से माहौल देख लीजिए यहाँ पर चारों तरफ का। तो ये देख सकते हैं आप लोग माहौल, और यहाँ पर पूरा नीचे का नज़ारा देखिए आप लोग। और यहाँ पर एक झंडा है, तो यहाँ पर एक ट्रस्ट भी चलती है फजले मौला ट्रस्ट नाम की। और यहाँ पर पीछे से आपको ज़ियारत करा, और व्यू देखिए बस आप लोग। तो आप लोगों को पीछे का नज़ारा कराया था, यहाँ पर इतना प्यारा नज़ारा दिख रहा है ना, पूरा पहाड़ के दम टॉप में हम लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रस्ट भी चलती है बोर्ड लगाए। और यहाँ पर नज़ारा देखिए आप लोग चारों तरफ का, और एकदम लगता बारिश होने वाली, पर एकदम काला काला हो गया बादल। तो अभी चलते हैं और आगे, वहाँ पर और दो मदार शरीफ है, वो मदार शरीफ की भी ज़ियारत करा था आपको। और ये मेन मदार शरीफ जो आपको बताया था। और यहाँ पर चलते हैं अपन आगे। और यहाँ पर मस्त हवा चल रही है पहाड़ के टॉप में। और यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग, पूरा हरा भरा। और यहाँ पर व्यू देखिए आप लोग ने। और ये मदार शरीफ आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की। तो देखते हैं कितना पहाड़ बनता है, दो बनता है, तीन बनता है। तो उसी हिसाब से डाल दूंगा मैं आपको पीछे ही आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का आस्ताना। ऐसी दरगाह शरीफ के ब्लॉग के लिए चैनल को अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इतने दूर से हम लोग चल के आए। तो ये अपने आकिब भाई, और यहाँ पर अपने सब भाई लोग हैं। तो हम लोग चार पांच लोग हो गए, रास्ते में मिल गए थे बाकी के दो भाई लोग। तो भाई वो थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी बता रहे हैं यहाँ पर, और कैमरा पकड़ पकड़ के हाथ दुख रहे हैं आकिब भाई। तो यहाँ पर लंगर खिला रहे, ऐसा बोलते हैं वो, यहाँ पर लंगर खिलाते उर्स के मौके पर। यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया, रुकने का इंतज़ाम होता है क्या वो तो मालूम नहीं है, पूछते एक बार। और वो है मदार शरीफ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और यहाँ पर चलते हैं आगे, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे बकरी भैंस वगैरह आराम कर रहा है। यहाँ पर एकदम टॉप में भी आपको बकरी वगैरह मिल जाएगी, देखो कितनी सी बकरी है यहाँ पर, पहाड़ के एकदम ऊपर है, सोचिए आप लोग। मैं सोचा भी नहीं था ऊपर ऐसा मिलेगा, यहाँ पर कबूतर है। और यहाँ पर लोग भी रहते एकदम टॉप में, यहाँ पर देख सकते हैं बकरी का बच्चा है। और यहाँ पर लोगों का घर भी है, और कुत्ता भी चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर घर है, और वहाँ पर है आस्ताना। और एक ये किन का आस्ताना है आकिब भाई?
खादिम साहब थे आपके हजरत पहलवान साहब की खिदमत करते। तो ये खादिम साहब की मजार शरीफ है, तो चलते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कुत्ता है, शायद चिल्ला रहा है, तो हिफाजत के लिए यहाँ पर रखते है। ये क्या चीज़ आके भाई है? ये सीढ़ी बना दी। अच्छा, तो सामने है मजार, तो चलते। तो ये घर जो आपको दिखाया था एकदम टॉप में, यही घर मिला और कोई घर नहीं मिला यहाँ पर। मानना पड़ेगा ये लोगों को कि यहाँ पर रहते इतने टॉप में। तो यहाँ पर देख सकते घर, और यहाँ पर नज़ारा देखिए चारों तरफ का। और यहाँ पर है मजार शरीफ, तो चलते अंदर ज़ियारत करते, फिर आपसे मिलते। खादिम साहब की, तो पहलवान शाह ताबईन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत करा करते थे। नूरुद्दीन शाह भाई आपका नाम। तो ये मजार शरीफ है, यहाँ पर भी थोड़ी देर बैठते, फातिहा वगैरह पढ़ते, फिर चलते। ये भी छोटा सा भी बनाए गए, तो ये भी पहला बना नहीं था, अभी सब बनाए गए। और वहाँ पर देखो थोड़ा सा पत्रा दिख रहा है हजरत पहलवान शाह ताबईन की बारगाह का। और यहाँ पर पूरा लोग बैठे ले, और यहाँ पर टंकी वगैरह भी लगी, और चारों तरफ का देख सकते हैं आप लोग एकदम टॉप में। तो चलते हैं यहाँ पर, आपको लाज ज़ियारत सलामी लेके चलते हैं। इंशाल्लाह जल्द हाजिरी होगी, सरकार का बुलावा होगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, अपने कैब बाय बैठे। तो चलते हैं शरीफ, तो चलते हैं अभी। तो यहाँ पर अपने आकिब भाई, तो चलते हैं। और यहाँ पर तो रास्ता भी नहीं, यहाँ पे तो रास्ता था, यहाँ पर हम लोग झाड़ के बीच में से ऐसे पैर रख रख के जा रहे। और अभी बारिश भी बोल के झाड़ भी थोड़ा थोड़ा गिल्ला है। और यहाँ पर पांच बीवी की मजार बता रहे हो, तो यहाँ पर दिख रहा नहीं है, रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा। तो चलते वापिस। तो चलते ये खादिम साहब की मजार शरीफ, और यहाँ पर जो लोग रहते थे ज़ियारत कराया था खादिम की मजार शरीफ। और यहाँ पर हजरत पहलवान शाह ताबईन की मजार शरीफ है। तो लास्ट सलामी देते तो इनके, अल्लाह करे इनकी बारगाह में वापस हाजिरी हो। तो अभी चलते हैं घर में, तो अभी चलते हैं हजरत फ़कीर साहब की बारगाह में। तो अभी बज रहे हैं 3, तो उतरते उतरते 3:30 हो जाएंगे। तो उनकी बारगाह यहीं है नीचे ही, तो वहाँ पे चलते, आपको ज़ियारत कराता हूँ वहाँ की भी। वहाँ का ब्लॉग अभी तक मैंने बनाया नहीं, तो चलते हैं वहाँ पर अभी। तो लास्ट सलामी देते और चलते अभी। तो इंशाल्लाह जल्द फिर हाजिरी होगी, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरे बकरे ऊपर आ गए, हो गए ज़ियारत। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यार अपने अकीब भाई जो मुझे मैसेज किए थे, तो भाई को भी फॉलो करना इंस्टाग्राम में, मैं आपको ये आईडी दे दूंगा। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नया बुलाना चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते अगले वीडियो के साथ, अस्सलाम वालेकुम।